मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रघुराज सिंह साके को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो कल सुबह 11:35 कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश ठाकुर जयवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और अश्विनी त्यागी प्रदेश महामंत्री भी रहेंगे मौजूद। वहीं इस नामांकन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के अलावा जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जीतने के लिए कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी आज हमारे नेतृत्व ने घोषित किए हैं। कल आ रही रघुराज सिंह शास्त्री का हमारे जिन दोनों बार के सांसद माननीय विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनका कल नामांकन 11:35 का समय है। मुझे लगता है 12 से पहले पहले नामांकन कराएंगे। पार्टी ने कल के नामांकन जबरदस्त तरीके से जोर से कार्यकर्ताओं में जो वैसे तो कोई बृहद जनसभा नहीं है, लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता आना चाह रहा है, जोश है, खड़ोश है, एक लगाव है, जो स्वयं आएगा उसके लिए हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम बगल में जो बॉडी जी का मेरा उसमें रखा है, वहाँ सब इकट्ठे होंगे। और कल के नामांकन के अवसर पर हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब केशव मौर्य जी और प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और हमारे तमाम प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के, जिला स्तर के नेतागण, पदाधिकारी आगे सीएम सबका प्रोग्राम लगेगा, आगे सीएम सबका प्रोग्राम लगेगा निश्चित रूप से। आगे ना सीएम साहब का नहीं लगेगा, मैनपुरी की धरती में सारे नेता दिखाई पड़ेंगे। मंत्री जी, आप जब विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे तो आपको लोग बाहर ही कह रहे थे, आपने जीत दर्ज की, मंत्रिमंडल में जगह भी पाई, ऐसे में शाक्य जी के लिए भी ये किस तरीके से मैनपुरी को जीतेंगे जैसे कि आपने फतेह किया? कोई रिपीटेशन होगा, ऐतिहासिक जीत के साथ होगा। हम 1/11 मिलकर के दोनों होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।